तो गए थे पाकिस्तान सरकार के पर तय कार्यक्रम के और वहां के निमंत्रण पर 2012 में सब कार्यक्रम तय था और हमारा लक्ष्य है संपूर्ण टीकाकरण कराएंगे और बिहार देश के 5 टॉप राज्यों में रहेगा सबका टीकाकरण। और आप सबको मालूम है कैसा पल्स पोलियो कैंपेन चला, अभी तो सरकार बनी थी 2005 में, 7 दिन के बाद असेंबली शुरू होने वाला था, हमको लोगों का फोन आ गया पल्स पोलियो के लिए, हम चाहते थे 7 दिन के बाद, लोगों ने कहा तुरंत मिलते, अभी शपथ लिया था 2 दिन भी नहीं बीता, सबको बुलाए लोग आ गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग और आकर लोगों ने कहा, हमने कहा चिंता मत करिए हम सारे डीएम को लगाएंगे और पहला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमने सारे डीएम को निर्देश दिया कि आपका काम है पल्स पोलियो कैंपेन को देखना और चलाना। और पल्स पोलियो कैंपेन चला और जो पल्स पोलियो कैंपेन चला उसके बारे में सब लोगों को लग रहा था कि अगर बिहार में नहीं हुआ तो ये पोलियो से मुक्ति नहीं होगी, चिंतित थे, लेकिन बिहार में जिस तरह का काम हम लोगों ने कराया कि पोलियो से उन्मूलन हो गया। हम तो गए थे पाकिस्तान सरकार के पर तय कार्यक्रम के और वहां के निमंत्रण पर 2012 में सब कार्यक्रम तय था, अलग से हमसे पाकिस्तान में लोग पल्स पोलियो कैंपेन पर बात किया। आपको क्या बताएं, लोग सुनना चाहते थे कि कैसे आपने किया, सब बात बताया, उनको भी बड़ी चिंता हो रही थी। और उसके बाद जो दुनिया के सबसे धनी आदमी हैं बिल गेट्स, वो बिहार को मदद करना चाह रहे थे स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सब जगह, तो स्वयं गए पता करने के लिए बिहार का सबसे जो आवागमन के दृष्टिकोण से सबसे कठिन इलाका था खगड़िया का, वहां वो चले गए देखने के लिए। और जा करके उस आदमी ने सब लोगों से बात किया और जब वो सुने तो यहां आने के बाद उन्होंने इतनी प्रशंसा की कि भाई पल्स पोलियो कैंपेन बिहार का कितना बढ़िया चल रहा है। तो आप जरा जान लीजिए, अब उसी तरह से कालाजार से मुक्ति कराना चाहते हैं। मालूम है कालाजार की क्या स्थिति थी, कालाजार जरा पूछ लीजिएगा, लोग बोलते हैं सब, हम मीडिया के माध्यम से भी निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप अपना आंकड़ा पता कर लीजिए, हमारा आंकड़ा हो तो बता दीजिए कि गलत बोल रहे हैं। 2005 में कालाजार के 23,383 मामले सामने आए थे और कालाजार से निदान कराने के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया है, और गरीब आदमी को होता था लोग जाता नहीं था इलाज कराने के लिए, हमने जो सीएम रिलीफ फंड है उससे मदद करवाया कि जो आदमी को भी कालाजार होगा उसको हम पैसा देंगे, वो चिंता न करे, वो सोचता था कि हम घरेलू आमदनी हमारी नहीं होगी, हम अगर काम नहीं करेंगे श्रम का तो कैसे परिवार चलेगा, करते रहता था इलाज नहीं कराता था मौत का शिकार हो जाता। तो हमने उनके लिए इंतजाम किया और मालूम है एक भी कालाजार का पीड़ित व्यक्ति जो इलाज के लिए आता है उसको ले जाया जाता है, इलाज कराया जाता है, उसका तो एक ही दवा से हो जाता है और 6,600 रुपया राज्य सरकार उनको पैसा देती है कि चिंता मत करना ठीक हो जाओगे। और अब संख्या क्या हो गई है, अब 18-19 में कालाजार से पीड़ित की संख्या घटकर हो गई है 252। News 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।